नमस्कार, आप देख रहे हैं आरआरएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। हीरालाल शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार दुमका में भारतीय जनता पार्टी ने बिजली और पानी की समस्या को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने किया। इस दौरान दुमका सांसद सुनील सोरेन सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमकर कोसा। उन्होंने मुख्यमंत्री पर आदिवासियों के साथ छल करने का आरोप लगाया। जिस संथाल परगना से मुख्यमंत्री और उनके परिवार आते हैं, वहां की हालत आज किसी से पूछ लीजिए। बिजली, सड़क, पानी सबका टूटा है। आज दुमका समेत पूरे राज्य की जनता आक्रोशित है। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि वे आदिवासियों के लिए केवल बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हेमंत सोरेन बताएं कि संथाल परगना में कितने आदिवासियों को खदान लीज पर दिया। अपने भाई के नाम पर पाकुड़िया में खनन पट्टा ले लिया। मुख्यमंत्री रहते हुए रांची के नाम को में खनन पट्टा का लीज हासिल किया। प्रेस सलाहकार के नाम भी खनन पट्टा का लीज है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि पूरा झारखंड बिजली संकट से जूझ रहा है, लोग परेशान हैं, लेकिन सरकार के पास कोई समाधान नहीं है। उन्होंने कहा है कि गर्मियां शुरू होने से पहले ही झारखंड में पेयजल की समस्या का समाधान कर लिया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। कई जिले में भूमिगत जलस्तर काफी नीचे जा चुका है, इसका समाधान कौन करेगा।